वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल डी फॉलेरियो। सो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द पॉलीस्पर्मी एंड पॉलीस्पर्मी का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मैं मानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने उसको वहीं तक कंजस्टेड रखा, उसमें और चीज़ों को मैंने एडअप नहीं किया। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्फीमिक्सिस के बारे में और ट्विंस के बारे में। तो एम्फीमिक्सिस क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं। जब आपका स्पर्म एंटर करा सेकेंडरी ऊसाइट से एंड दिस सेकेंडरी ऊसाइट इज ऑलरेडी अरेस्टेड इन मियोसिस टू, तो क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री होते ही वो अपनी मियोसिस को कंप्लीट करेगा। सबसे पहले मियोसिस के कंप्लीट होते ही आपका ये जो लार्ज ओवम है वो डिवाइड होगा एक ओवम में और एक सेकेंड पोलार बॉडी रिलीज होगी, तो ये एक अनइक्वल डिविजन होगा, ठीक है। सिमिलरली लाइक आपका ये ओवम रिलीज हो गया और ये सेकेंडरी पोलार बॉडी रिलीज होगी, ये अनइक्वल डिविजन है, इट इज कॉल्ड एन ओवम। तो ये जायगोट कब बनता है, ये ओवम इसे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इट हैव एन प्रो न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस आपका जो है स्पर्म के हेड से आया है और एक न्यूक्लियस जो आपका फीमेल्स के सेकेंडरी ऊसाइट में ऑलरेडी इनटू एन प्रो न्यूक्लियस डेवलप हो रहा था। देखो स्पर्म में भी जो ये न्यूक्लियस आपका है वो प्रो न्यूक्लियस में ही डेवलप्ड हो रहा था, मेल प्रो न्यूक्लियस में, और फीमेल प्रो न्यूक्लियस में नॉर्मल फीमेल न्यूक्लियस डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो एज आपका स्पर्म फ्यूज करता है ओवम से, सेकेंडरी ऊसाइट से ओवम बना और एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हुई। सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होते ही मेल प्रो न्यूक्लियस का फ्यूजन होने लग जाता है, ये दोनों प्रो न्यूक्लियस मिलके आपका एक सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं विच कंटेन इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या बना है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना गया, तो इसको हम बोलते हैं जायगोट। तो फर्टिलाइज ओवम को हमने जायगोट बोला, ठीक है, और फर्टिलाइज एग सेकेंडरी ऊसाइट को हमने ओवम बोला। ओवम में क्या है और जायगोट में क्या है, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे प्रो न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ, वेयर इज इन जायगोट प्रो न्यूक्लियस इज फ्यूज एंड फॉर्मिंग इन ए सिंगल डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हमने एम्फीमिक्सिस बोला, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्विंस की अगर मैं बात करूँ, दे आर टू टाइप्स ऑफ ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस जिसको हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं, और एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात अगर मैं करूँ तो ये इसके डाइजाइगोटिक कहने का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, आपके दो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हुए हैं फीमेल बॉडी में इंडिपेंडेंटली, ठीक है, और उन दोनों से स्पर्म फ्यूज कराए। देखो एक आपका ये एक बार ले लेते हैं, यहाँ पर एक ओवरी है, ठीक है, एक ओवरी यहाँ है। तो क्या हुआ, आपका इन डाइजाइगोटिक ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस दोनों ओवरी रिलीजिंग इन सेकेंडरी ऊसाइट। अब जरूरी नहीं कि दोनों अलग अलग ही कर रहे हैं, हो सकता है कि एक ही ओवरी दो सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज कर रही हो, या एक ने एक इस ओवरी ने कर दिया हो, एक इस ओवरी ने कर दिया हो, ठीक है। दो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो गए तो फर्टिलाइजेशन भी दो बार होगी, तो दो स्पर्म क्या करेंगे, इन दोनों एग को, इन दोनों सेकेंडरी ऊसाइट्स को फ्यूज करेंगे ताकि वो अपनी मियोसिस टू को कंप्लीट करें। सब्सिक्वेंट फर्टिलाइजेशन होगा दोनों में, डिफरेंट स्पर्म से, एक ही स्पर्म से नहीं। तो इन दोनों सेकेंडरी ऊसाइट्स का जब डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, यानी तब ये फॉर्म में जायगोट बनाएंगे, जायगोट से एक एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से जब बेबी बन जाएगा, तो देयर एज मे बी इन अ सेम, इन दोनों की एज सेम भी हो सकती है एंड नहीं भी हो सकती है, यानी डिपेंड करेगा स्पर्म के फ्यूजन के ऊपर। तो देयर एज मे बी इन अ सेम और नॉट, और अगर बात करें सेम एज भी हो सकती है तो साथ में सेक्स आपका जो, यानी ये दोनों सेकेंडरी ऊसाइट या तो मेल भी हो सकते हैं या मेल फीमेल भी हो सकते हैं, इट्स इन टोटली जेनेटिकल, ये टोटली जेनेटिकल है, ये हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकेंडरी दोनों सेकेंडरी ऊसाइट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वह विच इज इन ए मेल और विच इज इन ए फीमेल, तो ऐसा नहीं है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस में दो मेल ही ट्विंस बन सकते हैं या दो फीमेल ही ट्विंस बन सकते हैं, नो, एक मेल या एक फीमेल भी आपके डाइजाइगोटिक ट्विंस बन सकते हैं। उन दोनों का सेक्स सेम होगा या नहीं होगा
ये टोटली आपका डिपेंड करता है फ्यूजन ऑफ एन स्पर्म पे, कि किस तरह का स्पर्म आपका फ्यूज हो रहा है। एक्स वाला दैट स्पर्म विच कैरी एन एक्स जीनोटाइप और दैट स्पर्म विच कैरी एन वाई जीनोटाइप, ठीक है। तो ये आपका ऐसे फ्यूज होता है, तो दे जेनेटिक। हाँ, और एक और बात, जो ये डाइजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, ये हमारे बाकी सिबलिंग्स की तरह भी ये आपस में डिसिमिलर होंगे, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। देखो ये एक टाइम पे ये दे आर ट्विन्स, ऑब्वियसली दे आर ट्विन्स कि वो एक टाइम पर ही हुए हैं और मे बी थोड़ा सा टाइम डिफरेंस हुआ हो, बट वो उनको ट्विन्स ही कहा जाएगा, लेकिन दे आर नॉट जेनेटिकली सिमिलर। अनलाइक अदर सिबलिंग दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एन जेनेटिकली डिसिमिलर सिबलिंग्स, उन दोनों को भी डिसिमिलर सिबलिंग्स कहा जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, जिनको हम आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं, ये डेवलप कैसे हो रहे हैं। ये डेवलप होंगे आपका, ये जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करा, क्लीवेज के टाइम पे इसने दो अलग अलग सेपरेट एम्ब्रियो बनाए, ठीक है। ये आपके सेपरेट एम्ब्रियो हो, ये दोनों एम्ब्रियो आपके सेपरेशन हो गए और ये अपने मतलब इंडिविजुअली डेवलप करेंगे, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे, डेवलपमेंट हो भी सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होंगे, बट जैसे ही आपका जायगोट में डिवीजन हुआ, बाय सम हाउ डिवीजन हो गया, इसने दो एम्ब्रियो को फॉर्म कर दिया। तो 99% केसेस में क्या होता है, ये आपका 8 days के पास ऑन से पहले ही हो जाता है, यानी आपका 8th day जब आपका जायगोट है उससे पहले ही अगर डिवीजन हो जाए तो ही आपके ये मोनोजाइगेटिव ट्विन्स बन सकते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो मोनोजाइगेटिक ट्विन्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, उनके हमेशा सेक्स भी सेम होंगे। क्यों सेक्स सेम होंगे, क्योंकि जायगोट बन गया, एक ही स्पर्म ने आपका एग को फ्यूज करा था, उस एग का डिवीजन हुआ है, एक्चुअली उस ओवम का डिवीजन हुआ है, और उस ओवम में तो ऑलरेडी आपके क्या है, कोई भी क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका डिवीजन हुआ है, यानी उनका माइटोसिस हो चुका है, माइटोसिस की वजह से एक और उसी की तरह एग प्रोड्यूस हो गया है ये। लेकिन आपके जो डाइजाइगोटिक ट्विन्स में क्या था, दो अलग अलग सेकेंडरी ओसाइड ही पहले से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, और उनमें स्पर्म दो अलग अलग डिफरेंट स्पर्म यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में हमेशा सेक्स सेम रहते हैं। और अगर बात करें जेनेटिक मटेरियल की, तो जेनेटिक मटेरियल भी सेम ही रहता है कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ समहाउ दे आर आइडेंटिकल टू इन ईच रिस्पेक्ट, ठीक है। ये सेपरेशन जो होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का, यानी जो आपका ओवम जो सेपरेट हुआ है, ये 8 days बाद होता है एक्चुअली, जिसकी वजह से आपके ये ट्विन्स दे कैन बी जॉइंट विद ईच अदर, ये दोनों जॉइंट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर सेपरेशन, यानी अगर जायगोट ने दो एम्ब्रियो बनाए, 8 days के बाद अगर ये सेपरेशन हुआ, तो वो दोनों ट्विन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिस्पेक्ट में आपस में जुड़े रहेंगे। और ऐसे केसेस बहुत मिलते हैं जिसमें किसी दो बच्चों के सर जुड़े होते हैं, या किसी का स्टमक जुड़ा है, किसी के लेग जुड़े हैं, किसी का पूरा हाफ पोर्शन जुड़ा है, तो वो बहुत रेयर केसेस माने जाते हैं, ठीक है। उस अप्रॉक्सीमेटली 1% ऐसा ही चांस होगा जिसमें डिवीजन आपका आफ्टर 8 days बाद होता है, ठीक है। तो उस केसेस में जो ट्विन्स प्रोड्यूस होंगे वो ऑलवेज कॉन्जॉइंड होंगे, एंड दे कैन बी सेपरेट, ऐसा नहीं है वो सेपरेट नहीं हो सकते, वो अपने सेपरेट करेंगे, हाँ, लेकिन समहाउ दे शेयर इन द सेम बॉडी, सेम बॉडी स्ट्रक्चर। और कभी कभार क्या हुआ कि एक दोनों ट्विन्स में एक ही हार्ट बना है, क्यों, क्योंकि डिवीजन 8 days के बाद हुआ है, तो समहाउ दे आल्सो शेयर इन अ ऑर्गेनेल, ये ऑर्गन भी सेम ऑर्गन को शेयर कर सकते हैं, तो उस केसेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो सेपरेशन 8 days बाद होता है वो कॉन्जॉइंट ट्विन्स बनाएगा, ऐसी सिचुएशन में ट्विन्स जॉइंट रहते हैं, सेम बॉडी स्ट्रक्चर और पूरी की पूरी बॉडी को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, सिर्फ दो हेड डेवलप हुए हैं, बट एंड वन हैंड भी डेवलप हुआ है, लेकिन पूरी की पूरी फुली बॉडी इज जॉइंट।
एक ये भी इंडिया का केस है एंड इट्स अ आउटसाइड केस। तो आज की वीडियो में मेरी इस इतना ही। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज 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 मैं फिर से कहूँगा, लाइक करना मत भूलिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट एन अ मोर वीडियो लाइक दिस। फर्स्टली, सबसे पहले अगर आप वीडियो चाहते हो मेरी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।